आप देख रहे हैं डार्क क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, ये पीने वाले क्या जाने। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, एक पागल की बेचैनी को सिर्फ पागल समझता है। और इस देश में, इस समाज में देखिए, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, अनेकों किसान उन्हें अपना दम तो हो गया। और यहाँ देखिए मजदूर किस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, डाल पर लोग नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड बांटे जा रहे हैं और एक तरफ मजदूर और किसान परेशान। देखिए किस तरह से भीड़, किस तरह से भीड़ है। और रात का लॉकडाउन निश्चित चल रहा है, गाइडलाइन जारी हुई है 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक का लॉकडाउन जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। जनता कर्फ्यू के बाद दिन में रैलियाँ हो रही हैं, जगह जगह रैलियाँ हो रही हैं और पार्टियाँ चुनाव लड़ने की तैयारी में। रात का कर्फ्यू और दिन में चैन से, चाहे आप हजारों की तादाद में रहें, लाखों की तादाद में रहें, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन रात के समय में आप दो लोग भी रास्ते में जाओगे तो उसका उल्लंघन हो जाएगा, गाइडलाइंस का उल्लंघन हो जाएगा। इसी तरह से इस देश में कहीं ना कहीं छल हो रहा है, कपट हो रहा है और इस देश में हो रहा है तो सिर्फ नाटक 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 नाटक। और एक दूर से लंबे समय से मैं सच दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ, सच दिखला रहा हूँ, लेकिन सच दिखलाने के लिए कि ना तो किसी में हौसला है, ना हिम्मत, ना सच सुनने की ताकत है, ना सच बोलने की ताकत। और दिखा रहा हूँ देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। पहले निर्भया दीपिका और उसके बाद दलित समाज की बेटी मनीषा और आज साबिया सेठी। साबिया सेठी सब भूल गए हैं और अब याद है तो 2022 में किसकी सरकार बनेगी, 2022 में किसकी सरकार बनेगी। और हैप्पी न्यू ईयर, आज 2022 लग गया है और हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, उसके गुर्दे गिरमी रखे हुए हैं, फेफड़े गिरमी रखे हुए हैं और हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। पुराना दौर अच्छा था, पुराने लोग अच्छे थे, पुरानी परंपरा, पुरानी रीत कहीं ना कहीं अच्छी थी, लोग सच्चाई में जीते थे, लेकिन अब हम ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं, ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कब तक ठगोगे, अबे कब तक ठगोगे? इस देश की पार्टियां इस देश की गरीबी दूर करते करते इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए, इस देश को ही मिटाने के चक्कर में लग गए और ये देश कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा है, ये देश कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा है। सच तो दिखला कर रहेगा द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखलाने का। भैया 2022 नया साल नहीं बोलेंगे, चलिए बोलना नहीं चाहिए भैया, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बोलना सिर्फ हम बोल सकते हैं, तो अपने चचा पर, अपने भाई पर, या अपने पर, लेकिन अगर होम गार्ड आ जाता तो हम कहीं ना कहीं डरते हैं। चलिए एक भाई से मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए सर बाजार लगा हुआ है, सर खाली बैठे हुए हैं, क्या बात? धूप हो रही है, धूप धूप हो रही है। अच्छा कैसा लग रहा है आप? आज नया साल है, नववर्ष है, देखिए अनेकों किसानों ने भूख हड़ताल पर अपना दम तोड़ दिया और मजदूर कहीं ना कहीं दबकर कुचल कर रह गया। मैं सच दिखलाता हूँ, सच दिखलाने की हिम्मत, सच दिखलाने की ताकत, तो सर सच को लोग सुन नहीं पाते, सच को सुनना भी पसंद नहीं करते, सच को देखना भी पसंद नहीं करते। भैया कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए युवा देश की धरोहर, स्टूडेंट मैं अक्सर कहता हूँ बी कॉम कर रहे हैं, डबल एम में डिग्रियां हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। भगत सिंह जैसे शेर का देश और कायर, भगत सिंह जैसे शेर का देश और कायर, सुखराज जैसे शेर का देश और कायर, हम कायर, अशफाक उल्लाह खां वीर अब्दुल हमीद जैसे शेर का देश और कायर, बोल नहीं सकते, अपने लब खोल नहीं सकते। और इसी तरह से कहीं किसी से प्रश्न पूछा जाए तो भागते हैं, भागते हैं। डिग्रियां बहुत हैं लेकिन बोलने की हिम्मत, ताकत नहीं है, हौसला नहीं है। डाक्रेजी मैन न्यूज चैनल में भैया कुछ बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? भैया जैसे नया नया साल है, नए साल पे सर अच्छा चलिए और बोलेंगे नए साल को लेकर कुछ बोलेंगे देश के बारे में, देश के बारे में रहे हो भैया
ये वीडियो चल रहा है, आप इसको बोलना, आप बोलिए, आप बोलिए, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं भैया बुरा मानने की बात नहीं है, हम पढ़े लिखे तो हैं आज, लेकिन जो अंगूठा टेक है ना पहले वाले, वो कहीं ना कहीं सटीक। और मैं अक्सर पढ़े लिखे से जवाब पूछता हूँ तो दो भागों में भाग आता, प्रश्न करता हूँ तो उत्तर दो भागों में, लेकिन एक जाहिल का जवाब एक ही रहेगा। न्यूज पर आ जाएंगे आप, अभी किसी का सर फोड़ दीजिए आ जाएंगे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको द क्रेजी मैन न्यूज चैनल के माध्यम से, सच बोल नहीं सकते लोग, सच बोलने की हिम्मत, सच दिखाने का हौसला द क्रेजी मैन न्यूज चैनल। और इसी तरह से इस देश की शक्ति को, इस राष्ट्र की शक्ति को कहीं ना कहीं जंग लग गया है, और मुर्दे हैं मुर्दे, मुर्दों का देश, और हम भगत सिंह जैसे शेर का देश, हम कायर। सर कुछ बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? कुछ नहीं बोल सकते, देखो कमाल है, देख नहीं सकते। हाजी जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? इधर आ जाइए, कैसे हैं बताइए। नया साल है, नया साल पे क्या कहना चाहेंगे? नया साल लग गया है, नए साल में कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए किस तरह से लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इतना भय है, इतने भयभीत है कोरोना वायरस जैसे संक्रमित बीमारी ने इतना डराया, तीसरा चरण लग गया है। और आज लोग, भैया देखिए, भैया हमारे भैया नव वर्ष पे कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, इस पर केस हो जाएगा, बुलडोजर से पीस दिए जाएंगे, मार दिया जाएगा, क्योंकि सच बोलना इस समाज में दंडनीय अपराध, इस राष्ट्र में दंडनीय अपराध। पहले दीपिका, फिर निव्या दलित समाज की बेटी मनीषा, बहन मनीषा, उसके बाद साधिया से भी सब भूल गए हैं। और याद है तो किसकी सरकार बनेगी, याद है तो किसकी सरकार बनेगी। इसी तरह से इस देश का लूटा जा रहा है, लूटा तुम्हारी औकात ही यही है। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल सच तो दिखला कर रहेगा, चाहे जान। रात के अंदर गाइडलाइन जारी है, रात्रि का कर्फ्यू, और दिन में हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाओ, लाखों की तादाद में इकट्ठे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से रैलियां हो रही हैं, और हर पार्टी इस चुप्त जुमे है कि हम अपनी सरकार बनाएं। और 2022 लग गया है, नए साल पे देखिए, ये भाई हमारे, देखिए ये बेचारे बाहर से आते हैं लोग, लेकिन परेशान हैं। और मैं देख रहा हूँ भैया, नया साल लग गया, नए साल पे क्या कहना चाहते हैं? नए साल पे ये कहना चाहते हैं, रात में लॉकडाउन है, दिन में भीड़ है, देखिए लाइन चल रही है, और देखिए ऐसा हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। ये इसी तरह से जहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन, प्राइवेट परिवहन सब लगा दिया गया, और देखिए रैलियों में रैलियां हो रही हैं, और तैयारी है तो सिर्फ 2022 में सरकार बनानी। भैया कुछ बोलेंगे? कुछ बोलना मत, आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि बोलना एक दंडनीय अपराध है। अगर आप बोल गए तो देखिए हम चल रही है जहाँ था, जी दिखा रहा हूँ आप, रात में लॉकडाउन है, जी दिन में भीड़ चल रही है, जी दिन में भीड़। अस्सलाम वालेकुम, हमारे न्यूज चैनल में वेलकम है आपका। देखिए रात का लॉकडाउन लगा दिया है, रात्रि का लॉकडाउन है, और दिन के अंदर हजारों से लेकर लाखों की तादाद में भीड़ चल रही है, रैलियां हो रही हैं जगह जगह, गाड़ियों से रैलियां हो रही हैं, हेलीकॉप्टर से आना है, क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? इस देश में हो क्या रहा है, और नए साल पे जनता कहीं ना कहीं, हम ये कहते हैं कि नया साल तो है लेकिन जनता कहीं ना कहीं बर्बाद है, महंगाई की मार से त्रस्त है। और देखिए अनेकों किसानों ने अपना भूख से दम तोड़ दिया, लड़ाई लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया, और आज सब भूल गए हैं। इसी तरह से इस देश में कहीं ना कहीं हो रहा है तो सिर्फ नाटक। पहले निर्भया, फिर उसके बाद बहन मनीषा, दलित समाज की बेटी मनीषा, और उसके बाद साधिया सेफी, और सब भूल गए हैं। और अब 2022 में याद है तो किसकी सरकार बनेगी, सिर्फ याद है तो किसकी सरकार बनेगी। इसी तरह से जगह जगह रैलियां हो रही हैं। देखिए मैं जाता हूँ, यहाँ बाजार लगा हुआ, बाजार के अंदर जहाँ एक तरफ भीड़ रहती थी, और भैया खाली बैठे हुए हैं,
इसका कारण भैया बताइए, कारण क्या है? आज जो आप खाली बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ इतना बड़ा सामान लगाने के बाद में देखिए जैकेट बेच रहे हैं, गर्म कपड़े बेच रहे हैं, बहुत कम बेच रहे हैं, ये समाज के सेवक हैं, कम में दे देते हैं, लेकिन आज बुरा हाल है। ये बैठे हुए हैं, इनकी बोनी तक नहीं हुई है जी। भैया कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, सच तो मैं दिखलाता रहूंगा, आप देखते रहिए। बोलने की हिम्मत, बोलिए हिम्मत, क्योंकि बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम आपकी पूरी सपोर्ट में रहेंगे। चलिए वेलकम दक्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखलाने का। सच तो दिखला कर रहेगा।